अभी आपके सामने एक प्लांट दिख रहा है और साथ में बॉटनिकल नेम भी लिखा हुआ है। ये प्लांट मोटे तौर पे रेगिस्तान का प्लांट है और डेजर्ट में एज ए हेज प्लांट मिलता है। इसमें एक स्मेल भी आती है, एरोमा भी होता है। कॉमन नेम है अर्नी या इरना। इसका बॉटनिकल नेम है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस और ये एक वाइल्ड प्लांट है, डेजर्ट का प्लांट है। क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस के आगे LF लिखा हुआ है, एल। जी हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक हमारा है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस प्लांट डिस्क्रिप्शन इन प्रैक्टिकल। पर इस फ्लोमिडिस के सिनोनिम्स हैं वोल्कामेरिया, मल्टीफ्लोरा, बम एफ। इससे पहले मैंने जो LF बताया था, LF और कार्ल वॉन लीने वाज ए स्वीडिश नेचुरलिस्ट। ही इज नोन एज लीनियस फिलियस। फिलियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है संतति को कहते हैं। लैटिन ऑफ लीनियस द सन, यानी कि एब्रिटेड टू LF एज बॉटनिकल अथॉरिटी, यानी कि जो ऑथर साइटेशन या अथॉरिटी की हम जो बात करते हैं उसमें लीनियस के जो बेटे हैं उनका नाम लिखा जाएगा LF। हाँ ये हैबिट है, ये हेज प्लांट यानी कि जो हमारे डेजर्ट में जो हमारे खेत होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, उनकी जो बाउंड्री जो होती है, सीयू जिसको कहते हैं हेज, वहाँ पर ये प्लांट कॉमनली मिलता है। और बात करें तो हर्बेसियस है, एरियल है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड, सॉलिड, सिलेंड्रिकल। यहाँ पे आप देखिए फोटोग्राफ के अंदर जो स्टेम आपको एरियल दिखाई दे रहा है, ब्रांच्ड है और वाइट फ्लावर हैं इसके। एंड यहाँ पे देखें आप स्टेम सिलेंड्रिकल, सॉलिड और इरेक्ट आपको दिख रहा है। ये सॉलिड में आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन काट के दिखाया गया है और ये हेरी है समवॉट, और इसका जो बेसल पोर्शन जो है वो वुडी होता है जो आपको बहुत साफ नज़र आ रहा है। अगर आप उस इलाके के हैं तो आपको याद भी आ गया होगा कि हम कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लें कि इसका जो स्टेम का जो लुक है ये वाइटिश होता है, तो आसानी से हम देख सकते हैं। लीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सारे लक्षण हो गए, यानी कि ये मिलेंगे कैरेक्टर। ये पेज आप फाइल बनाने के लिए काम में ले लें। और सुनने के लिए आप यहाँ देखें कि लीव जो है वो कॉलिन एंड रैमल है, और ऑपोजिट फिलोटैक्सी है। आप देख पा रहे हैं कि लीफ का अरेंजमेंट बिल्कुल आमने सामने है। एंड यहाँ देखें लीफ एपेक्स आपको दिख रहा है और ये लीफ के जो मार्जिन है, लेमिना है, लीफ बेस, पिटियोल और पिटियोल है तो ये लीफ होगी पिटियोलेटेड। सिंपल ओवेट लेमिना आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा है और बाइसीरेट मार्जिन आपको इस थर्ड प्लेट में नज़र आ रहा है। अब आप एपेक्स देखें पहले फोटोग्राफ में और दूसरे में देखें आप यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, जिसको हम रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें। इसका डाइकेजियल साइम होता है जो वेरी इंटरेस्टिंग कि डाइकेजियल साइम, और फ्लावर इसके ब्रैक्टिएट होते हैं, पेडिसिलेट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस, साइक्लिक एंड वाइट कलर के हैं जो देख रहे हैं। ये आपका इन्फ्लोरेशन नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसेक्ट भी नज़र आ रहा है फोटोग्राफ में कि पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। इधर सेकेंड फोटोग्राफ में आपको फ्लावर दिख रहा है एकदम बहुत खूबसूरत वाइट कलर का और ये मैक्रोस्कोपिक है, बहुत आसानी से दिख जाता है। तो आसान को देखें आप, एंड्रूशियम आपको स्टेमन दिख रहा है और सेंटर में गाइनोशियम दिख रहा है। फिर देखें वाइट कोरोला को देखें और ग्रीन कलर के देखें कैलिक्स। याद रखिएगा कि कैलिक्स और कोरोला अगर अलग अलग हैं, यानी कि हम वर्ड काम ले रहे हैं कैलिक्स और कोरोला, तो आपको कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर के होंगे और कोरोला कलर्ड होंगे बट ग्रीन कलर को छोड़ के कोई भी कलर होगा। तो यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है फ्लावर की स्ट्रक्चर और कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट का मतलब हो गया कि इसके अंदर देखो चारों चीज़ें मौजूद हैं। फिर यहाँ देख पा रहे हैं कि आप बाइसेक्सुअल, यानी कि एंड्रूशियम भी है और गाइनोशियम भी है, और जाइगोमॉर्फिक में आप देखें कि इसका जो सेक्शनिंग जो है वो फोटो में बहुत साफ नज़र आ रहा है आपको कि ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसकी मिलती है।
अब देखिए कि फ्लावर हाइपोगाइनस, अब आप देखिए कि इस डायग्राम में जो सेक्शन, आप देखिए कि एकदम ओवरी जो है वो बहुत स्पष्ट नज़र आ रही है, और कैलिक्स कोरोला ये सब ओवरी के नीचे से निकले हैं, तो ये फ्लावर हाइपोगाइनस हो गया। आप इसमें देखें कि वाइट कलर के जो आप कोरोला जो हैं बहुत क्लियर हैं, पांच हैं, तो ये पेंटामेरस हो गया। मेरस मिलते हैं ट्राईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, तो यानी कि अगर तीन की संख्या में है तो ट्राईमेरस जो मोनोकोट में मिलता है, अगर चार की संख्या में तो टेट्रामेरस, और पांच की संख्या में तो पेंटामेरस जो कि डाइकोट में मिलता है। आगे हम कैलिक्स और कोरोला पे, यहाँ देख रहे हैं कि कैलिक्स को लिखा है के और कोरोला को लिखते हैं सी, तो सेपल पाँच हैं और गैमोसिपेलस हैं, और एस्टिवेशन जो है इनका वॉल्वेट है, और ये परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि कोरोला जो है ये पेटल पाँच हैं, गैमोपेटेलस हैं, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है। देखिए दोनों का एस्टिवेशन में डिफरेंस आ गया है। सेप यहाँ पे विशेष है जिसको बोलते हैं हाइपोक्रेटेरीफॉर्म, हाइपोक्रेटेरीफॉर्म से पर्पल ना होके वाइट है कोरोला का कलर, जो आपको बहुत साफ दिख रहा है। यहाँ पर एंड्रोशियम को आप देखें कि स्टेमन चार हैं, पोलियंड्रस और एपिपिटेलस हैं, डाइडाइनेमस हैं, डाइथिकस है और डोर्सिफिक्स है, और गाइनोशियम में कार्पल दो, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, प्लेसेंटेशन पेराइटल। अब यहाँ आ जाएं, देखिए कैलिक्स आपको पाँच, अब ध्यान से देखिए आपको बहुत अच्छे से पाँचों नज़र आ रहे हैं, और गैमो है ऊपर, देखो ब्रैकेट में लिख दिए गए हैं गैमो। फिर देखिए कोरोला भी पाँच है, कोरोला पाँचों आपको दिख रहे हैं, आप आसानी से काउंट कर सकते हो। और दूसरा बड़ा है ट्यूबुलर, देखिए ये नीचे से ट्यूब बना रहे हैं। आप देखो स्टेमन की लेंथ देखो, स्केल रखी हुई है उसके पास से, आपको अंदाज़ा लगेगा कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर के ये बड़े हैं स्टेमन्स। आप दिख रहे हैं कि ये चार स्टेमन आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं। फिर एपिपिटेलस स्टेमन का मतलब है कि जो देखो कि पेटल के साथ स्टेमन जुड़े हुए हैं, पेटल के साथ स्टेमन जुड़े होने के कारण से इसको एपिपिटेलस कह रहे हैं। गाइनोशियम में देखो नीचे देखो बड़ी खूबसूरत, हम जो ओवरी की परिभाषा हम देते हैं, हम परिभाषा देते हैं स्वोलन पार्ट ऑफ द गाइनोशियम, यानी कि गाइनोशियम जायांग का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है ओवरी। देखिए कितना क्लियर कट फूला हुआ पार्ट है, और स्टिग्मा हम कहते हैं कि जो गाइनोशियम का जो आखिरी पार्ट है, यानी कि ओपोजिट टू ओवरी इज स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वो भी साफ है, और बीच में स्टाइल भी लंबी है, लॉन्ग स्टाइल आपको नज़र आ रही है। फिर अगर हम टीएस ओवरी का टीएस लेंगे, और ओवरी टीएस से पहले देखो ओवरी की लोकेशन देखो, जो ऊपर हमने कहा ना कि हाइपोगाइनस फ्लावर है, यानी कि ओवरी सुपीरियर है, देखिए सारे पार्ट जो व्हाइट लेयर है ना वो ओवरी के नीचे तक आ रही है, और जो हरे रंग के जो कैलिक्स हो तो नीचे से निकलते एकदम साफ दिख रहे हैं। जब आप इसका खुद सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। और टीएस ओवरी देखो, ओवरी का टीएस देख रहे हैं तो मोनोकार्पिलरी ओवरी है और टेट्रालोक्यूलर है, और ओव्यूल देखो कि कहाँ जुड़े हुए हैं, मैच्योर फ्रूट इस टाइप से है, और ये एलएस है सेक्शन है यूनिलोक्यूलर में, एंड ये फ्लोरल डायग्राम है। इसको बड़ा अच्छे से देखिएगा आप ध्यान से, कि देखिए नीचे नीचे की जो आपको दिख रहा है दिस इज द ब्रैक्ट, और जो साइड में है वो ब्रैक्टियोल है, फिर ब्लू कलर में कैलिक्स हैं, रेड में कोरोला है, फिर स्टेमन चार हैं, और ऊपरी ऊपर जो डॉट दिख रहा है वो मदर एक्सिस है, और यहाँ पर ये फ्लोरल फॉर्मूला BR ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल। ये आप इसी चैनल पे आप जाएंगे तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल का जानना। फिर ये हमारा जाइगोमॉर्फिक हो गया है, फिर बाइसेक्सुअल आपको दिख रहा है, K5 कैलिक्स पाँच थे और गैमो थे, C5 कोरोला भी पाँच थे गैमो थे, तो ये ब्रैकेट में दिख रहे हैं, A4 यानी कि स्टेमन इसमें चार ही हैं और ब्रैकेट नहीं है यानी कि फ्री हैं, और ए और सी को भी ऊपर एक अंडरलाइन जुड़ रही है आप देख रहे हैं, यानी कि ये एपिप्टेलस कंडीशन यहाँ पर मिलेगी। गाइनोशियम एक है और अंडरलाइन की, अंडरलाइन का मतलब ओवरी सुपीरियर बताई गई है। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन आपका हो, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और क्योंकि डेजर्ट का प्लांट है जो वहाँ के स्टूडेंट्स
स्टूडेंट जो डेजर्ट को बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। थैंक्स टू माई स्टूडेंट वो आर एसोसिएटेड विद मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आपका कोई दोस्त है जो MSc बॉटनी में है या BSc बॉटनी में है तो उसको आप सेंड कर दें, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।